हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटूर करम मूवी का फैक्ट्री रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटुर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ अंठानवे गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी नैनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोस्त अपने ऊपर ले लेता ले है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की मां वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंतः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है दो हज़ार तेईस व्यारा वेंकटस्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है, मारते है। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पच में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है

से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उपद्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना दुर्घटनाएं साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगी नेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल नजर आते हैं जयराम भोगी भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजूगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली शर्मा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से ही आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल में नजर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचंटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट बारह जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुटूर करम मूवी का फैक्ट्रेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुटूर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनिनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी याद कर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में असफल सफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है वह लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिल, जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उनने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना दुर्घटनाएं साजि रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट विश्व में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते है। तो हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर वीरा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज वीरा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मारच बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव बुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु का रोल माना जाते हैं ब्रह्मा जी सियाई आदि नारायण रघु बाबू रंगम के रोल मधुसुदन राव फेक हरिदास के रोल महेश सचनता लेनिंग के सन के रोल में जाते हैं तो यह इस मूवी का कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनिनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिस जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता देख कर रमन को फिर से ने करता है, सफल, सफल है। कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों मन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है उसे बताता है कि हरिदास एक उपर द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादी होता लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना दुगर, साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्व में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी, जी के रोल में नजर आते हैं वेनाला किशोर बाल सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से ही आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मजर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास को रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचंटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी नैनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम कि मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हथिया का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सज़ा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत मजबूर कर, करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिस जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमु, मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम बंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी याद रखकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है व रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिन की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिल, जिल बाबाजी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उप द्रवि और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश उठताए लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना दुर्घटनाएं साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्वत में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते लेकिन नारायण उन पर नराय हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा का रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी, जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल मिले जाते हैं ब्रह्मा जी से ही अधिनारायण के रोल मेरे जाते हैं रघु बाबू रंगम के रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल मना जाते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा के रोल में जाते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है इस और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रामना की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुता अमू मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकटस्वामी याद करके रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है और रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादीशुदा होता है लेकिन उनने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू मालियादा का रोल नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी का रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल नजर आते हैं वैनला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास का रोल नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल मना जाते हैं ब्रह्मा जी से अधिनारायण के रोल में नजर आता है रघु बाबू रंगम का रोल मे जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल मना जाते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एस ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट बारह जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है इस और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुटर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटुर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रामना की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता मु मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम बंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है

से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उनने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं दुगर, साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नज़र आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा के रोल नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी <सी> राजी <दीख्याँ गी> के <था> रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा का रोल में नजर आते तो। हैं अजय तो, जेलेटिन बाबा तो, जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्म जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मेरे जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास को रोल में नजर न पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हमसा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटुर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस में अंठानवे में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी निन सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमु, मलियादा और उनके सहायक बाला बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम बंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी याद देखकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिन की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जी जिल, जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर कीलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाब जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक ऊपर द्रवि और कट्टा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश उठाए लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं साजी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टार कास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनाला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव बुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट

और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हमसा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर क्रम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनिनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी कर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल, आ, सफल रहता है। तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेनकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्त में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु का रोल माने जाता है ब्रह्मा जी से सियाई आदि नारायण का रोल मनाया जाता है रघु बाबू रंगम का रोल माने जाते मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल माने जाते पम्मी साई योकप का रोल मनाया जाते हैं तेजा मन्नू संभा का रोल माने जाते हैं महेश सचनता लेनिंग के सन के रोल मना जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपनी अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम बंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो देख दिखाता है वेंकट स्वामी याद रखकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है और मन लेनि की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिन की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जेल जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाब जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक ऊपर द्रवि और कट्टा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट डिस्ट में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्म जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मजा जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास को रोल में नजर आते पम्मी साई योकअप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचन्टा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी नेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हजार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमु, मलियादा और उनके सहायक बाला बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंगेट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताचार करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वह वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी याद रखकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है वह रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिन की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिल जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाब जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उप द्रवि और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादीशुदा उतारे लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजी साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्वत में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते लेकिन नारायण नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल का रोल नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू मालियादा का रोल नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी का रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल माने जाते हैं ब्रह्मा जी से ही अधिनारायण के रोल में नजर आता है रघु बाबू रंगम के रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल मना जाते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एस ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का फैक्ट्रेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती है उसका सामना करती है उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिख, दिखाता है वेंकटस्वामी यादकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिल, जिल बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबूजी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाब जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजी, साजी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट विश्व में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा का रोल नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा का रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते ईश्वरी राव भुज्जी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल माना जाते हैं ब्रह्मा जी से अधिनारायण के रोल में नजर आता है रघु बाबू रंगम के रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल में नाते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल मना जाते हैं महेश सचंटा लेनिंग के सन के रोल में जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हमसा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एस ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट बारह जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटुर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दो मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी नेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरामणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है

से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिल, जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उपद्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है, तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट विश्व में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते है। तो हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आता है मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वैनला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मेर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास को रोल में नजर न पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचंटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न भाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गुंटूर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस अंठान में अंठानवे में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी निनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत मजबूर कर, करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमु, मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकेट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वह वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता देख कर रमन को फिर से ने करता है, सफल, सफल है। वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेनकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्त में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर वीरा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज वीरा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनाला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल माने जाते हैं ब्रह्मा जी आदि नारायण के रोल मनाया जाता है रघु बाबू रंगम के रोल माने जाते मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल माने जाते पम्मी साई योकप के रोल मना तेजा कक्ु संभा महेश सचनता लेनिंग के सन के रोल मना जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक भाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीननीनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बाढ़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामों में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो देख, दिखाता है वेंकटस्वामी याद करके रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वह सुना उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है और रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा करोल रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी करोल रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा करोल रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव बुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल माने जाते हैं ब्रह्मा जी से सियाई अधिनारायण का रोल माता है रघु बाबू रंगम का रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल मना जाते हैं पम्मी साई योकप का के रोल मनाते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल माने जाते हैं महेश सचनता लेनिंग के सन के रोल मना जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि यान मूवी सबने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमणा और की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार करता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता मु मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता या देख कर रमन को फिर से ने करता है, सफल, सफल है। कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाई दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर और उसके आदमी से और को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेनकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उनने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना दुर्घटनाएं साजि रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता में है लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी है स्टोरिया समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू नेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं रामे कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजू गोपाल के रोल मेनेजर आते हैं मुरली शर्मा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल मेनेजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी का रोल में नजर आता है राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल मेनेजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुज्जी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्म जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल में आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचंटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट बारह जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का फेक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी नेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रामना की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता मु मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है

से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं रामा कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू मालियादा का रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा का रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वैनला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव बुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट कर... मधु के रोल माना जाते हैं ब्रह्मा जी से अधिनारायण के रोल में नजर आता है रघु बाबू रंगम का रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल में नाते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल मना जाते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दी इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटर करम मूवी का फैक्ट्रेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पच में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकटस्वामी यादकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है और रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालूक मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उपद्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश होता है लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साझी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन व्यारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वैनला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल में नजर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास को रोल में ना जा जाते हैं पम्मी साई योकप के रोल में तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में मना जा जाते हैं महेश सचन्टा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हमसा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गुंटूर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस में अंठानवे में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी नैनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी मां को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकेट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर पर करने करने के 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 लिए लिए उससे मजबूर अपने सुरक्षा गार्ड हमला किया। बालू रमना प्रति सा, रखता और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम बंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो दिखाता है वेंकट स्वामी याद देखकर रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिन की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जी जिलेटिन बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाब जी और उनके आदमियों को रमन को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक उप द्रवि और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे साजिश उठाए लेकिन उन्होंने कभी संभोग नहीं किया और अपने सियानक में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता अंतिम क्रेडिट रिश्व में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मुल्क का स्टार कास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगी भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगी भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोग्का मार्च बाबू का रोल में नजर आता है सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश का राजू गोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली शर्मा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनाला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु के रोल में जाते हैं ब्रह्मा जी से नारायण के रोल में जाता है रघु बाबू रंगम के रोल में जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल में जाते हैं पम्मी साई योकप के रोल में जाते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा के रोल में जाते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हमसा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटूर करम मूवी का फैक्ट्रेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटुर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट वेंकटरमणा की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपनी अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने धम की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमू मलियादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है मारते। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो देख, दिखाता देख कर रमन को फिर से करने करता है, सफल, सफल है। कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है की हत्या के मुकदमे दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबूजी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों रमान को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेनकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय इस स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादी होता लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना साजी रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट रिश्वत में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं राम्या कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू मालियादा के रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा के रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबा जी बाब जी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट मधु का रोल माने जाते हैं ब्रह्मा जी से सियाई अधिनारायण के रोल मे रघु बाबू रंगम के रोल माने जाते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास के रोल माने जाते पम्मी साई योकप के रोल मना तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल माने जाते हैं महेश सचनता लेनिंग के सन के रोल मना जाते हैं तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है इस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाई त्रिविक्राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज परम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट बजट बज़े की बात करें तो दो सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक सौ बहत्तर करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 200 सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम घुंटुर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोग भोगी भोगीनि सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत, सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले, ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमणा और की बाई आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपनी अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का कर सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुता अमू मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता है और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है, मारते है। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है सबूत के तौर पर एक पारिवारिक फोटो देख, दिखाता है वेंकटस्वामी याद करके रमन को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा ऐसा करने में सफल असफल रहता है तब सत्यम ने रमन और उसके परिवार को बताया कि वसुंधरा उनके कारखाने के जलने के तुरंत बाद रमन की आंखों को ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके झगड़ा भी किया जिसने सोचा कि रंगम को बचाना उसकी प्राथमिकता है रमन लेनिन की हत्या के मुकदमे के दौरान वसुंधरा ने बुज्जी से रमन की आँख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आँख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है बाबा जी एक अंधा कॉन्ट्रैक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाप जी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेनकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादी होता है लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सी के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट विश्व में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं रामा कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी सत्यनारायण एलियस का रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता का रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आता है राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुता मालियादा का रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी का रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा का रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबाजी बाबजी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मेर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल में नजर आते हैं पम्मी साई योकप के रोल में नजर आते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन के रोल में नजर आते हैं तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न भाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू रहते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गुंटूर करम मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम घुंटर करम मूवी का स्टोरी बताते हैं उन्नीस सौ गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोका मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भो, भोगी नैनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन ने सवाल करने के लिए उनके पास जाता है इस प्रक्रिया में सत सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे बारह साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाई आँख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की माँ वसुंदरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनीतिक पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ रहने लगती है अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण नारायण से शादी कर लेती है 2023 हज़ार तेईस व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा को अपनी राजनीतिक पार्टी से कानून मंत्री बनाते हैं लेकिन उन्हें अपनी अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है जो इस तथ्य तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत कर मजबूर करने का फैसला करता है जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या वियारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी माँ को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता वेंकट स्वामी के वकील बसवा राजू सारंग पानी उनकी बेटी बसवा राजू अमुक्ता अमु, मल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है जो रमना को बाढ़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं वेंगेट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रामना के खिलाफ पानी द्वारा झूठी एफ दर्ज करवाने का फैसला करता है जिसमें कहा गया, गया है कि उसने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताचार करने के लिए उससे मजबूर करने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया बालू रमना के प्रति सहानुभूति सा, रखता और अपना रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफ में बताई गई बातों का दोहराता है वसुंधरा जो घर के अंदर हो रहे हंगामा में को सुनती और देखती उसका सामना करती है, मारते है। कर उसे थप्पड़ मारती है जिसके कारण उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है वापस गुंटूर में कातम मंधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा के विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट में पक्ष में लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे पीटता है हालांकि काटा उसके बटुआ चुराने में सफल हो जाता है और मीडिया के सामने खुलासा करता है कि वो वास्तव में वसुंधरा का बेटा है

से रमन की आंख के बारे में पूछा जिस पर उसने बताया कि आंख कभी भी सामान्य नहीं हो पाई क्रोधित वसुंधरा ने गवाही कि सत्यम ने रंगम के बजाय लेनिंग की हत्या की थी रमन को यह पता चलता है कि वह उदास हो जाता है जिलेटिन एक अंधा कॉन्ट्रेक्टर किलर और उसके आदमी से और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लेते हैं बाबू जी ने उन्हें बताया कि वेंकट स्वामी ने ही उन्हें मारने का ठेका दिया था लेकिन उनसे सामना होने पर पता चलता है नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बापजी और उनके आदमियों को को मारने के लिए नियुक्त किया था दूसरी तरफ वसुंधरा एक ट्रक से टकरा जाती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है रमन उसे देखने के लिए दौड़ता है वेंकट स्वामी उसे बताता है कि हरिदास एक द्रवी और कटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या की योजना बनाई थी वह रमन को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है इस प्रक्रिया में वह पानी को यह भी बताता है कि उसने उन्नीस में सत्यम की फैक्ट्री पर हमला की साजिश अपनी बेटी को वापस लाने के लिए रची थी क्योंकि वह तब चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी कर ली थी जो दूसरी जाति का था जब रमन हरिदास को मारने जाता है, तब वह बताता है कि उसने कभी भी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई लेकिन उसका बदला वेंकट स्वामी से जिसके साथ उसने पच्चीस साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा विश्वासघाट किया गया था राजा गोपाल जो नारायण के साथ वसुंधरा का बेटा है को संसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण वेंकट स्वामी को यह भी बताता है कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है बल्कि वसुंधरा ने अपने पिता को मूर्ख बनाने के लिए उसे गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके भले ही वे शादीशुदा होता है लेकिन उन्हें कभी संभोग नहीं किया और अपने सियान कच्छ में अलग अलग सोते हैं यह पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटनाएं साजिश रसी ताकि वह उसके घावों की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सके जब रमन को इस बारे में पता चलता है, तो वह अपने दादा पर क्रोधित हो जाता है अंतिम क्रेडिट लिस्ट में हताश बनकर स्वामी नारायण के साथ रमन से बातचीत कर उसे राजनीतिक पार्टी में शामिल करने के बारे में असफल विचार विमर्श करते हैं लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूल का स्टारकास्ट बताते हैं महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकटा रामना का रोल में नजर आते हैं रामा कृष्णा लॉ मिनिस्टर व्यारा वसुंधरा का रोल में नजर आते हैं जयराम भोगिनेनी <Nico>, सत्यनारायण एलियस को रोल में नजर आता है प्रकाश राज व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता के रोल में नजर आते हैं जगपति बाबू दोक्का मार्च बाबू का रोल में नजर आते हैं सुनील दोग्का लेनिन बाबू का रोल में नजर आते हैं राव रमेश पक्का राजगोपाल के रोल में नजर आते हैं मुरली सरवा एडवोकेट बसवा राजू का रोल में नजर आते हैं श्री लीला बसवा राजू अमुक्ता मालियादा का रोल में नजर आते हैं मीनाक्षी चौधरी राजी के रोल में नजर आते हैं राहुल रविंद्रन वियारा राजा का रोल में नजर आते हैं अजय जेलेटिन बाबाजी बाबजी के रोल में नजर आते हैं वेनेला किशोर बाला सुब्रमण्यम के रोल में नजर आते हैं ईश्वरी राव भुजी के रोल में नजर आते हैं अजय घोष हरिदास के रोल में नजर आते हैं पी रविशंकर कट्टा मधु के रोल में नजर आते हैं ब्रह्मा जी से सियाई आदि नारायण के रोल में नजर आते हैं रघु बाबू रंगम के रोल मेर आते हैं मधुसूदन राव फेक हरिदास का रोल मनाया जाते हैं पम्मी साई योकअप के रोल में मनाते हैं तेजा कक्कू मन्नू संभा का रोल में नजर आते हैं महेश सचनटा लेनिंग के सन का रोल बना जाते हो तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी का डायरेक्ट किया है त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है एस राधा कृष्णा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न भाई त्रिविक राम श्रीनिवास ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मनोज प्रम हम्सा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय नवीन नुली ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाय थमन एज ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग है यानी पब्लिक रिव्यू है पाँच स्टार में से चार पॉइंट चार स्टार बहुत अच्छा रेटिंग यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया है और ये मूवी का स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट दो करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ की कमाई की है तो उतनी अच्छी मूवी साबित नहीं हुई है फिर भी ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें